कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई जो कि लोगों को हम लोग गुमराह कर रहे हैं जैसा, ये यहाँ का हकीकत है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दिलीप जोशी, मेरे साथ में है कन्हैया लाल जी गमेती, और एक ये हमारे गोगुंदा के रहने वाले हैं भोक्ता, और ये जहाँ जो ये आपका जो हकीकत था यही हकीकत है। बाकी आपने जितने वीडियो देखे यूट्यूब पे सब गलत बताया उस पे। तो फिर ये गुफा के लिए एक वीडियो में मैंने देखा है, ये गुफा के लिए ऐसा बोला था कि ये कहाँ निकल रही है, न जाने ये इतनी बड़ी गुफा कहाँ निकल रही है, ये आपके सामने यहाँ से टन होके वहां निकल रही है, ये हकीकत ये। आप ये चैनल में वीडियो देख के आप ऐसा कुछ भी ना करें और ये कुछ भी ऐसा ना सोचे, बहुत ही बड़ी गुफा है, ये घूमने लायक गुफा है। और जो गुफा यहाँ पे मेन थी वो हम गांव वालों ने मिलकर बंद कर दिए, जो अब कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से घूम सकते हो, आके देख सकते हो। बोलते हैं रात की लग निकलती है मगर रात की लग नहीं निकलती। तो ये है वो रूम जहाँ पे रहते थे माना प्रताप। अमर सिंह यहाँ झूलता था, ये ऊपर मैंने वो करे थे क्या। अच्छा, अमर सिंह यही जन्म लिया, अमर सिंह का झूला यहाँ था, पालना इधर ही था, यहाँ पे अमर सिंह का पालना था जो उनके बेटे थे माना प्रताप के। अच्छा, इस जगह लगा हुआ था, यहाँ कड़ा भी नहीं, चार कड़े लगे थे, सेंटर में झूला लगता था, यहाँ सेंटर में झूला लगता था, अमर सिंह जी यहाँ झूलते थे, अमर सिंह बहुत बड़ी बात है। और ये देख लो, ये जो हॉल है ना, सामने के पहाड़ के टॉप लेवल के ऊपर से मिलाया हुआ है। अच्छा, ये हॉल को, हाँ, ये सामने पहाड़ का, तो उसमें कोई भी हो तो सीधा यहाँ से गोली मार दे, गोली मार सकते थे। ये देख लो, ये भी यहाँ से देखो आप, ऊपर का टॉप दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब पॉइंट बना रखे है। हाँ, ये पॉइंट ऐसे बनाए हुए थे उस टाइम पे। हाँ, यहाँ पे सब कलर कर दिया, बाकी ये यहाँ पे इसके इसी कलर के नीचे लिख रखा पूरा यहाँ पे। अच्छा। ये आप लोग, हम लोग ये कलर वापस साफ करेंगे, इसके अंदर बहुत जगह लिख रखा है पुराने सिस्टर पुराने। अच्छा। लिखी पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ, वो मतलब मिटा नहीं है, ये ऊपर प्लास्टिक पेंट कर दिया, इसको वापस मिटा के वो चीज हम लोग बाहर निकालेंगे वापस। अच्छा, उसमें सारा इतिहास लिखा हुआ क्या मतलब? हाँ, और ये जगह क्या काम आती थी फिर उनके? ये बस ऐसे ही हवा के लिए बना रहा था। हाँ, हवा के लिए वगैरह बैठने थे, ये दोनों सेम ही है फिर। अच्छा, और प्रताप भी ये रहते थे ना? हाँ, प्रताप जी ये रहते थे, अमर सिंह ये दीपक के लिए, कमरे में रोशनी रहे, रोशनी के लिए, ये दीपक रखने के लिए। अच्छा, ये सारे जो पहाड़ों का टॉप दिखाने के लिए छेद भी बना रखे हैं, इधर भी है सारे। ये तो ऑल ओवर हो गया पूरा रूम फिर उनका, है ना? आप इसमें कौन रहता फिर अभी? अभी मैं प्रताप के सपने नहीं आते रात को? नहीं, अच्छा है, मतलब पहली बार देख के हम तो सोच रहे एक बार आ जाए उनका असली वाला चेहरा जो है, देख ले हम वो देख ले। आपका नाम क्या है? दिलीप जोशी। इनका नाम दिलीप जोशी है, और आप? मेरा नाम चतर सिंह गिलावत। चतर सिंह गिलावत। और इनका नाम तो कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल जी, इन्होंने 60 साल से ये यही रह रहे, ये 60 साल से भाई इसी जगह पर रह रहे हैं, और इस जगह के अंदर जहाँ अमर सिंह माना प्रताप जिस कमरे में रहते थे वहाँ पे ये कम से कम 60 साल से इन्होंने अपना ये जीवन। ये चोली में एक दिन ऐसा था कि यहाँ पे कोई नहीं आता था बिल्कुल भी, सिवाय ऐसा टाइम था, ऐसा टाइम था। हाँ, मतलब गांव का भी नहीं आता था, मतलब आते थे गांव के, मतलब कोई कुछ नुकसान हो गया है तो देखने के लिए आते थे, बट यार रात दिन रुकने का वहाँ इन्होंने किया। आप लोग 3 महीने वहाँ डाल ली, तो मेरा मन ये ठीक है, वहाँ पर जागरूक करनी है, ये लाइट आ गया हमारे गाँव में मैं दो भाई लड़े गया, ये जगह मारी, ये जगह मारी, जगह इन भाई ने कोई नहीं आता था इनका, जैसा कहना है कि कम से कम 50 साल कोई अब तक कोई आया ही था, 25 सालों में ये लोग यहाँ पे आने लगे, वो भी इनकी मेहनत और इनकी लगन से। इनके लिए अपने वीडियो को लाइक करो और आगे से आगे शेयर करो ताकि लोगों को और पता चले इस जगह के बारे में, और वो लोग यहाँ पर आए। जगह ऐसी थी कि हम लोग पूरे गाँव वाले ने मिलकर ये वापिस आज यहाँ पे खड़े रहने जैसा लाइट बनाया। बाकी
अभी जो दोस्तों जिस रास्ते से हम लोग आए हैं ट्रैकिंग करके, पूरा रास्ता आपको दिखाया हमने, हम कैसे कैसे चल के आए हैं, तो वही इसका ओरिजिनल मेन रास्ता यही आने का। जैसे कि भाई बताए तो ऊपर से नया रास्ता बनाया है महाराणा प्रताप की, तो ऊपर से कूद के यहाँ नहीं आए थे, जो आए भाई रास्ते से हैं, तो हम जिस रास्ते से उसी रास्ते से वो भी आते जाते थे। और मेन रास्ता जो बोलते हैं इस धोनी का, ये दूल्हा तगुड़ा में मेन रास्ता यही, वो यही मेन रास्ता है। बस सरकार से इतनी सी दुआ है दी है, जल्दी से जल्दी रोड बन जाए, यहाँ पे सब भक्त लोग अच्छे से आ जाए, इतना ही हम लोग का कहना है। वो लोग देखे अमर सिंह कोई खेल नहीं है, अखबार किताब हम पढ़ा अमर सिंह था, माना पड़ता कोई थे, वो कोई बात नहीं है यार। अमर सिंह झूठे आदि जगह पे झूले थे, पड़ता हुई जगह पे रहते थे, वो जनरल सामने यार का ओरिजिनल जो आपको क्या है क्या नहीं है जानना है तो मैं कन्हैया लाल जमेती करके यहाँ पे रहते हैं, वो कोई भी भक्त यहाँ पे बता रहे तो आप एक बार उनसे सलाह जरूर लेंगे यहाँ पे क्या हुआ था, क्या है क्या नहीं है। आप किसी के सुनने पे नहीं आए, ये जो है हकीकत वो या अलग है, वो यूट्यूब पे बता रहे कुछ अलग है, और ओरिजिनल जो है आपको जानना है तो कन्हैया लाल गमेती करके यहाँ पे रहते हैं, जो इस धुनी के मालिक है, इसी वंशज के हैं, इसी वंशज के है, तो वो आपको यहाँ पे आपको अच्छे से बता देंगे कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, पर पहले से क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट अभी जो बता रहे हैं ज्यादातर वो लोग झूठ बता रहे हैं, इतना ही मेरा कहना है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो जो हमने यहाँ पे शूट किया या कर रहे हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल चीज आपको बता रहे हैं, इसमें यूट्यूब चैनल पे एक बात और चल रही है कि यहाँ पे दिन में कोई नहीं आना चाहिए, अकेला नहीं आना चाहिए, ऐसा डरावना ऐसा डरावना ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दिन में भी लोग चलते हैं, रात में भी लोग चलते हैं, और कोई छेड़ छिटे की मतलब अभी तक आज दिन तक यहाँ का रिकॉर्ड है कि कभी किसी जानवर ने कभी इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, ये यहाँ का मतलब मैं नहीं है। ये यूट्यूब चैनल में कब से मैंने देखा है और जब से देखा मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं कब से बोलना चाह रहा था, मतलब आज ये भाई ने मिल गया चैनल वाले आप आज यहाँ पहुंच गए, तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई डरने का नहीं है, मतलब ऐसे डरने जैसा उधर कुछ भी नहीं है। हम लोग रात दिन यहीं रह रहे हैं, ये मेरे हैं बुजुर्ग आदमी, ये 60 साल से यहीं रह रहे हैं, इन्होंने आज दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, ऐसा कोई डरने जैसा नहीं। आप दिन में आओ आप रात में आओ कभी भी यहाँ पे बता सकते हो आप। तो अरावली पर्वत श्रृंखला है पूरी जो आपने पूछा है, और मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये वही रूम है, तो वो भी हमने दिखाया था भाइयों ने जहाँ पे अमर सिंह माना पड़ता है, तो ये कमरा फिर सब में खड़ा हूँ, और पीछे यहाँ देखो एक कुआ है और कुछ पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पे, ऊपर से देखो पूरे पहाड़ वगैरह सब दिख रहे हैं आपको, और अब ऊपर एक गुफा हो रहे हैं जहाँ हम हथियार रखते थे ना। हाँ वो एक ऊपर है, वो मतलब वो हथियार कहाँ रखते ये नहीं पता है, बट ये गुफा है जो बहुत ही बड़ी गुफा है, जाने का रास्ता भी बहुत ही भयंकर है वहाँ जाने का, अब तो वो अंदर जा नहीं सकते, पहले एक बार हम लोग गए थे वो आराम ठीक है। हाँ ये जो गुफा है ये जो है दोस्तों इस गुफा के अंदर ऊपर से रस्सी, ऊपर रस्सी बांध के और फिर ऊपर या कमर पे रस्सी बांध के फिर मत झूलते हुए वहां से नीचे आना पड़ता था, ऐसे झूलते हुए फिर इसके अंदर जाने का, वहां पे उनके शस्त्र रहते, अंदर से यहां से 30 फीट आगे अंदर जाने के 30 फीट तक आगे जाओगे उसके बाद आगे बहुत जगह मिल जाएगी। अच्छा इतना स्पेस अंदर हो रहा बहुत ऐसा, और पानी बहुत आता है, मैं पानी की आवाज़ से लोग घर के बाहर आ जाता है, तो मतलब वहाँ पे गए होंगे कमर रस्सी बांध के, यहाँ से एक तो मैं गया हूँ एक मेरा, अच्छा, आप उसके अंदर गया, एक मैं गया एक मेरा फ्रेंड है नारू कमेटी, हम दोनों मतलब कुछ घर का डर की वजह से हम लोग को ऐसे पीछे पिताजी आ रहे हैं आपके मारेंगे, तो वो डर की वजह से हम लोग वहाँ फंस गए थे, और अंदर गए तो हम लोग को पानी की आवाज़ इतनी सुनाई दी कि हम लोग बैठे वापस, कितना पानी की आवाज़ अंदर, मतलब 2.5 घंटे तक हम लोग अंदर चले थे, और उसके बाद हम लोग वापस रिटर्न आ गए, वो पता नहीं कभी यहाँ पे शस्त्र यहाँ रखते थे कहाँ रखते थे वो नहीं पता है। जो हकीकत है वो ये है, एक गुफा ये है, एक इतनी बड़ी गुफा नीचे वो कुआ है वहाँ, तो एक वो शंकर की गुफा और है उसके अंदर जा सकते, वो भी बहुत ही अंदर जाती है, उसके अंदर छोटे छोटे जाना पड़ता है, और पानी है अंदर, कैमरा लेके नहीं जा सकते, अच्छा पानी अंदर देता है 5-10 मिनट के बाद अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलता, सांस नहीं आते, इतना एरिया है अंदर। हाँ उसको देखेंगे अपन, ट्राई करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो, हाँ लाइट से शूट करेंगे, थोड़ा बहुत शूट हो जाएगा, हाँ जितना हो सकता है उतना शूट करेंगे, और बाकी देखें वो उस तरफ जो अपने होते हैं ये अभी तो यहाँ पे 1 साल से लोग आ रहे हैं, पहले कोई नहीं आता था, तो ये जो पैंथर जो बोलते हैं वो यही रहता था, ये उसके रहने की जगह, ये उसकी गुफा जी यहाँ बैठता रहता वही पैंथर रहता था। अच्छा
अब यहाँ पे लोग आने शुरू हो गए तो वो नहीं आते ही नहीं। जहाँ इंसान आ गए वहाँ जानवर कहाँ जाएंगे बेचारे। अंदर रूपण माता जी, इसके अंदर ये आप आओ आगे लो अंदर से। ये है अंदर रूपण माता जी, जो ये स्थान नया बनाया है हमारे कन्हैया लाल जी गमेटी ने। और अंदर यहाँ से 30 फीट अंदर अंदर बैठे हैं ओरिजिनल रूपण माता जी, 30 फीट अंदर। हाँ, जहाँ पे आज दिन तक पहले कोई नहीं गया सिवाय इनके। और ये पहले पूजा करते थे अंदर, अब वो गुफा इतनी गहरी हो गई है कि अंदर जाने का मतलब पॉसिबल ही नहीं है अंदर। लेकिन माता जी तो है। हाँ, माता जी अंदर ही बैठे, अंदर नहीं जाने के कारण फिर इन्होंने ये नया स्थान बनाया यहाँ पे। और अब यहाँ पे आराम से हम लोग पूजा पाठ अगरबत्ती धूप आराम से। अच्छा, वो सब यही करते हैं अभी। हाँ। एक बार थोड़ा अंदर से दिखाऊं, देखें जितना हो सकता है उतना मैं दिखाऊंगा। पेड़ से होकर सीधे नीचे जाऊंगा मैं, यहाँ से बहुत ही आगे अंदर माता जी बैठे है। ये है दोस्तों वो मेन, या कौन से माता जी थे? रूपण माता। रूपण माता जी का ये जो गुफा है, गुफा बहुत पतली हो गई आगे यार, बहुत ही पतली, अब नहीं जा सकते अंदर। हाँ, ये पत्थर शायद जो वो पास आ गए हैं। माता जी माफ करना। हाँ, नहीं, आप पेर, हाँ पेड़ लग गया ना, ठीक है ना। ये है पूरी अंदर से गुफा। वो अंदर जाते थे यहाँ पे कोई पूजा करने के लिए पहले, उस टाइम पे जाते होंगे ये जाते अपने पीछे खड़े हो। अच्छा, ये अच्छा वहाँ अंदर तक जो दिख रहे हैं वो कुछ किया हुआ है, पहले की बात होगी, वो 18-20 साल पहले की बात है। अच्छा, तब से पहले जाते थे ये, अब अंदर जाने की मतलब इतना हो गया पानी से एकदम पैक हो गया है वो, अब जाने का काम ही नहीं रहा। तो फिर वो नहीं जाने का। लगभग अति जानकारी कोई लेके नहीं गया था आज, या रियल जानकारी बता रहा हूँ। आज दिन चला अति जानकारी कोई इसको लेके ही कोई। हाँ, ये एक और गुफा है दोस्तों, जहाँ अंदर हम अभी जा रहे हैं, नीचे बैठ के जाना पड़ेगा, यहाँ पे खड़े रहके नहीं जा सकते। और ये अच्छा ये छोटी टूट गई है, ये गुफा ऐसी गुफा थी कि यहाँ पे अंदर से आराम से बैठ के देख सकते थे, बस ये गुफा बाहर से नहीं दिखती थी अंदर कौन बैठा है। अच्छा, यहाँ से मतलब निगरानी रखने के लिए होगी ये। अब वो पानी से टूट गई है, नीचे गिर गया वो, तो अब ये गुफा बाहर से दिख रही है। एक गुफा ये है जो ये गांव वालों ने, हमारे पूरे गांव ने मिलकर बंद कर दी है ये, तो बंद कर दिया। बहुत ही बड़ी गुफा है ये, इसके अंदर एक बार गया कोई तो वो वापस रिटर्न बाहर नहीं आएगा कभी। अच्छा, अब कोई गया था अब तक पहले? आप देख सकते हो ये गुफा है, ये पत्थर डाल के बंद कर सकते हैं। हाँ, ये पत्थर तो इसमें बड़ा हुआ ये। अच्छा, ये गुफा भी दिख रही है इधर से आगे से देख सकते हो। हाँ, वो छेद दिख रहा है आराम से। आ पानी बहुत बह रहा है इसमें। ये है वो गुफा का छोटा सा छेद है ना, दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े, इतना व्यू पॉइंट किसी ने नहीं दिखाया होगा जितना हम दिखा रहे हैं आपको। उस तरफ से भी वो निकलता है, मतलब जो देखने का है ये देखने का वो आगे। अब लोगों को मलाल रह जाएगा यार, वो दिखाया ही नहीं। नहीं, आप यहाँ से आराम से देख सकते हो, बस यहाँ से आगे मत जाना, स्लिप हो जाएंगे। चमगादड़ है, यहाँ से बाहर का वैसे दिख रहा है बस, उधर स्लिप हो गए वो सीधा अंदर खाई में। हाँ, एक ये है, ये भी बहुत ही बड़ी थी, अब ये धीरे 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 अंदर से पैक हो गई। ये खुद ही अपने आप बंद हो रही है ना, अपने आप नीचे बैठ रहा, मतलब जैसे ये पहले हम लोग आराम से बैठ के आते थे, अब देखो हम लोग भी यहाँ पे इतना झुक के आना होता है। ये धीरे 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 मतलब ये पानी के बहाव से यहाँ पे मलबा ऊपर से धीरे 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 एक परत बन के। हाँ, ये बंद होता जा रहा है धीरे धीरे। आज मैंने ये वीडियो दिखाया आपको, ये बिल्कुल ओरिजिनल जो रियल था वो यहाँ का वही आपको दिखाया है, उसमें कुछ भी गलत नहीं बोला और कुछ भी ऐसी बात नहीं बताई जो कि लोगों को हम लोग गुमराह कर रहे हैं जैसा। ये यहाँ का हकीकत है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दिलीप जोशी, मेरे साथ में है कन्हैया लाल जी गमेती, और ये जी हमारे गोगुंडा के रहने वाले हैं बोक्सा। और ये क्या जो ये आपका जो हकीकत था यही हकीकत है, बाकी आपने जितने वीडियो देखे यूट्यूब पे सब गलत बताया उस पे। तो ये गुफा के लिए एक वीडियो में मैंने देखा है, ये गुफा के लिए ऐसा बोला था कि ये कहाँ निकल रही है न जाने, ये इतनी बड़ी गुफा कहाँ निकल रही है, ये आपके सामने यहाँ से टर्न होके वहां निकल रही है, ये हकीकत ही है। आप ये चैनल में वीडियो देख के आप ऐसा कुछ भी ना करें और ये कुछ भी ऐसा ना सोचे कि बहुत ही बड़ी गुफा है, ये घूमने लायक गुफा है। और जो गुफा यहाँ पे मेन थी वो हम गांव वालों ने मिलकर बंद कर दिए, जो अब कोई खतरा नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप आराम से घूम सकते हो, आके देख सकते हो। बोलते हैं रात से निकलती है मगर रात से लग नहीं निकलती है, निकलती है। यहाँ पे एक बात और बोली है, जैसे कि यहाँ पे जो महाराणा प्रताप जो जो जहाँ पे राज हुआ गोगुंडा में, ये गुफा वहाँ पे भी निकलती डायरेक्ट नहीं निकलती, ये गलत बात है। आज दिन तक कौन बोला कि जो बोलने वाला वो क्या जाके देख के आया अंदर,
ये गुफा बहुत ही बड़ी है, ये हम लोग जानते हैं, इसका कोई पार नहीं है ये हम लोग जानते हैं, बट ये रात इले कुएं में निकल रही है ये गलत बात है। ये गुफा कहीं नहीं निकल रही है, ये गुफा पाताल गुफा बोल सकते हो इसको, कि ये यहाँ से उतरोगे तो नीचे ही नीचे जाओगे, कहीं आप ऊपर चढ़ने वाले नहीं हो। ये ऊपर है इसे सबसे ज्यादा अंदर क्या भाग में गुफा, मगर अपन नीचे ये अपने आप बनी हुई है प्राकृतिक तरीके से, इसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने नहीं बनाया है, ये महाराणा प्रताप के पहले से बनी हुई है। नीचे हिंगलाज माता महाराणा प्रताप नहीं आए, उससे पहले से बैठे हुए हैं, महाराणा प्रताप के सपने में जाके फिर उनको इधर बुलाया, उनको बुलाया इधर आप यहाँ आओ यहाँ सुरक्षित रहोगे, फिर वो यहाँ पे आए, उनके साथ में उनके वो थे अजब देव, उनके वो अमर सिंह जब पैदा होने वाला था तब जाके वो मेल बनाया, और अमर सिंह का झूला उसी मेल के अंदर वो कमरे में जो पहले दिखाया उसी में वो ओरिजिनल वो है। ये दो कमरे यहाँ पे ओरिजिनल है और ये गुफा ओरिजिनल है जो आज आपको दिखाई है, बाकी जितने यूट्यूब पे वीडियो आए वो सब झूठ है, हम लोग रोज देख रहे हैं वो वीडियो, बस हम कर कुछ नहीं रहे, हम बता कुछ नहीं रहे, क्योंकि हम लोग एक संत है, कहीं जाते नहीं आते नहीं, हमारे वो टीवी चैनल से हमारे को कोई लेना देना नहीं, पर आज जो हकीकत बताई है वो वही सही है। जय हिंद, जय जय हिंद। ये पूरी मायरा की गुफा है जिसके बारे में आपको आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, असली जो सच्चाई है इस जगह की, और वो इन भाई ने आपको वीडियो के अंदर पूरी देखी है आपने वो बताई, वही सच्चाई है, भले यहाँ पे कोई शस्त्र वगैरह कुछ पड़ा हुआ नहीं है, गुफाएं थी जो रहते थे और जो अश्व उनका चेतक था बनता था वो जगह यहाँ मौजूद है, और प्रताप जिस कमरे में रहते थे वो कमरा यहाँ मौजूद है, इनके अलावा गुफाएँ जो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई हैं वो यहाँ पर है, और यहाँ पर आने के लिए कौन सा रूट पड़ेगा क्या है वो आप बताओगे? उदयपुर से अपन आते हैं तो इस्वाल होके आप किसी को भी पूछोगे तो भरवासन माता मंदिर है, एक प्राचीन मंदिर है, और राजसमंद से आते हो तो कड़िया पंचायत वहाँ के भरवासन माता मंदिर, भरवासन माता मंदिर से ये 4 किलोमीटर 3.5-4 किलोमीटर दूरी पर है, बीच में दूल्हा बुढ़ा करके गाँव है, आप किसी को भी पूछोगे तो वो आपको व्यवस्थित रास्ता बता देगा। अगर कोई उस तरफ से आना चाहे हल्दी घाटी से, अगर हल्दी घाटी आपने देखा है और हल्दी घाटी से यहाँ आना चाहते हो तो वहाँ से आपको लगभग 50 मिनट का रास्ता है, मुख्य मार्ग यही है हल्दी घाटी जो, हाँ ये हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यू रचना थी वो यहाँ से रखी गई थी, तो ये रूट यही था भाई, यहाँ से दूल्हा तो का बुरा और बीच में महाराणा प्रताप से जुड़े हुए अन्य और अच्छे अच्छे स्थान है यहाँ, राणावाड़ा सुंटारी घाटी और एक वेरी की बावड़ी है वहाँ पर भी एक छोटा इतिहास है, तो ये सब प्राचीन स्थान देखने को मिलेंगे इस रास्ते पे, भरवासन माता मंदिर है ये महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है वो सारे रूट में पड़ते हैं। तो अभी पीछे हमारे एक लास्ट आगे ये गुफा हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं नॉर्मल गुफा बनी हुई है, और जैसा इन्होंने बताया कन्हैयालाल जी ने, और ये लगभग बताया मैंने आपको 60 साल से यहीं रह रहे हैं, तो इनमें कोई झूठ फरेब नहीं है इनका, ये बिल्कुल सच बताया हुआ है, और जितना शेयर होगा उतना लोगों को सच्चाई पता चलेगी कि भाई कुछ भी जो सच्चाई मेन जो है वो सबको पता चलनी चाहिए यार, मैं तो ऐसा कहता हूँ कि जो झूठ है वो झूठ जल्दी फैलता है यार, सच्चाई बहुत कम चलती है, इतिहास के बारे में जो भी सच्ची जानकारी कम चलता है झूठ ज्यादा चलता है, तो झूठ को थोड़ा कम करवाओ और जो सच्चाई है उसको ज्यादा फैलाओ ताकि लोगों को सच्चाई की पता चले। अगर मैं क्या बताइए आज अंतला कोई ले आयो नहीं जाएगा, इतिहास का बताई नहीं जाएगा, आज 8 साल कर रहा हूँ तो ये रह रहा 8 साल हो गया, 8-10 साल हो गया सेवा पूजा तो ये है कि आपसे हमारे पूरे गांव का सहयोग है, गांव के बिना कुछ भी नहीं होता है, और गांव के बिना हम लोग कोई भी यहाँ नहीं रह सकते, तो पूरा गांव का साथ है हमारा हमारे, और दूसरी बात जो वीडियो में बताई थी कि यहाँ पे ऐसा डरावना है ऐसा डरावना है, तो यहाँ पे कोई डरावना नहीं है, और जो हकीकत थी वो आपको बताई है, तो यही है यहाँ का, और आप आए तो आप ये उदयपुर से सीधा ये इस्वाल होके कड़िया पंचायत से ही आए, यही रोड सही है, ये ऊपर वाला रोड नहीं है, ये ऐसे बनाया हुआ रोड है, ओरिजिनल रोड ये है, ये रोड से आओगे तो आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, पुराना स्थान है जैसे महाराणा प्रताप के टाइम से ही वो गाँव बसे हुए वही नाम से, आगे जैसे राणावाड़ा है खुटारी घाटी है वेरी की बावड़ी है ये सब हमारे उस टाइम से नाम रखे हुए हैं, यही रोड पे वो सब है, ये ऊपर से आओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेंगे सिवाय मार्बल के पत्थर, बस वही ये जय हिंद। एक बार आप